अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे बेटा टुडे वी स्टार्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट तो नहीं स्टार्टिंग uh, ही ले रहे हैं अभी हम व्हाट इज़ साइंस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये साइंस वर्ड है उसका मीनिंग क्या है आप सबको कहते हैं बेटे साइंस साइंस बुक नोट बुक ओपन करें साइंस बुक ओपन करें व्हाट इज़ साइंस पता तो होना चाहिए ना पहले के लफ्ज़ जो साइंस uh, है इसका मीनिंग क्या आ रहा है इसमें ठीक है तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि वट इज़ साइंस देर इज़ अ साइंटिस्ट साइंटिस्ट अंकल हेलो बोलें सर साइंटिस्ट अंकल को अब साइंटिस्ट अंकल भी तो हमें हेलो बोल रहे हैं हेलो आई एम आ सुपर साइंटिस्ट यू मे हैव मेट मी बिफोर अब वो हेलो बोल के पूछ रहे हैं कि आप मुझसे पहले कभी मिले हैं तो आप उनको बताएं कि आप मिले हैं उनसे पहले स यू सेट यस हम वन क्लास में मिले हैं हम टू क्लास में मिले हैं अब हम थ्री क्लास में हैं इफ़ सो यू विल नो डैट साइंस इज़ माई लाइफ कहता है कि अगर आप मुझे मिले हैं तो आपको पता होगा साइंस ही मेरी जिंदगी है बाय नाओ यू शूड नो सम बेसिक साइंटिफिक फैक्ट फैक्ट्स अब वो कहते हैं कि आपको जानने चाहिए साइंस के कुछ बुनियादी फैक्ट्स यानी कि हकीक़त क्या क्या चीज़ें हैं साइंस में क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे वर्ल्ड में यूनिवर्स में रियलिटी में किस चीज़ को साइंस कहते हैं यू शुड नो द डिफ़्रेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स कहता हैं आपको ये जानना चाहिए कि लिविंग थिंग्स मतलब जो जिंदा चीज़ें हैं जानदार हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो बेचान हैं इनमें क्या फ़र्क है साइंस में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं और वो कह रहे हैं साइंटिस्ट अंकल यू शुड नो वेयर द नेचुरल लाइट एंड हीट कम फ्रॉम आपको ये भी जानना चाहिए कि सनलाइट कहाँ से आ रही है हीट कहाँ से आ रही है ये सब चीज़ें हमें साइंस बताती है You should know that the Earth is just one of many planets in our solar system. Solar system, बेटे उसे कहते हैं जिसमें हमारे इतने सारे planets हैं space में sun, Earth और भी बहुत सारे planets हैं ये सब चीज़ें मिल के जो space में होती हैं ना इसे हम कहते हैं ये हमारा solar system है अब science हमें हमारे solar system के बारे में बताती है ठीक है You should know why इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट द राइट फूड्स एंड लुक आफ्टर योर बॉडी कहता है कि हमें अपनी बॉडी की तरफ देखना चाहिए हमें अच्छी अच्छी फूड खानी चाहिए अच्छी फूड खाएँगे फिर हम हेल्दी होंगे फिर हम देखेंगे हाँ हम हेल्दी हो रहे हैं वाकई हेल्दी हो रहे हैं एंड वी शूड नो ऑल ऑफ दिस हमें ये सब जानना चाहिए बिकॉज यू हैव हैड अ गुड टीचर क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छी टीचर है लाइक मी स्टूडेंट्स मी ओ एंड योर ऑन स्कूल टीचर्स ऑफ कॉस साइंटिस्ट कह रहा है कि मैं भी और आपके सब स्कूल टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं आर यू रेडी टू फाइंड आउट अबाउट मोर साइंस आर यू रेडी स्टूडेंट्स क्या आप तैयार हैं साइंस के बारे में जानने के लिए देन टर्न द पेज एंड लेट्स गो अब कहते हैं कि आगे जाए सबसे पहले बेटे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है आज हमने सिर्फ इन टू पेजेस की रीडिंग करनी है और हमने एक क्वेश्चन रीड करना है डेट इज साइंस वट इज साइंस सो आर क्वेश्चन इज देयर हेयर इज आर क्वेश्चन व्हाट इज साइंस साइंस इज द स्टडी ऑफ नॉलेज अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स Learned through experiments and observations. TKBT SCIENCE science is the study S T U D Y study OF of knowledge K N O W L E D G A -E, knowledge A B O U T about the natural and A T U R A L natural word W R L D word that T -H -A -T that DAT is base P -S -E base on facts f a t -C s facts learned l e a r n e d learned through t h r o u g h through experiments e x p e r i m e n t s experiments and observations o b s c r v a t i o n s observations बेटे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें कि साइंस एक ऐसी स्टडी है जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं नॉलेज मतलब इल्म हासिल करते हैं जानते हैं अबाउट मुतलिक द नेचर वर्ल्ड हमारी दुनिया के बारे में कुदरती तौर पर जो है ना डेट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स जो कि बुनियादी तौर पर जिसकी बुनियाद रखी गई है लर्न जिसे हम सीखते हैं थ्रू बहुत सारे कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके ऑब्जर्वेशनस का मतलब होता है अपने पास से हम मफरूज़े कायम कर लेते हैं कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो रही है तो इसका आंसर ये होगा फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोचते हैं कि इस एरिया में एक भी डिज़ीज़ आ गई है वो डिजीज़ क्यों कॉज हो गई है वो उस डिज़ीज़ के कॉज होने की रीज़न क्या है वो डिजीज़ इस तरह से ठीक हो सकती है डैट इज़ आर ऑब्जर्वेशन फिर हम उस चीज़ जो सोचते हैं उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे जो हम नई चीज़ बनाते हैं डैट इज़ एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज़ योर टूडेज़ क्वेश्चन थैंक यू